इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी किंगडम को डिस्कस किया गया? वो किंगडम थी आपकी किंगडम पलाटिया, तो ऑलरेडी ठीक है दे चुके थे साइंटिस्ट, किंगडम एनिवेलिया ऑलरेडी दे चुके थे, किंगडम मोलेरा भी आ चुकी थी, और यहाँ पे जो फोर्थ किंगडम आई दैट फोर्थ किंगडम इज किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें आपके कौन से आपने प्लेस किए गए? इसमें जो बाकी आपके प्रोटिस्ट थे ना, प्रोटोजोआ थे, या आपके जो है वो ना प्रोटोजोआ में आपके पैरामेशियम है, यूलिना है, वोबा है, फाइटोप्लैंकटन थे, ज़ूप्लैंकटन थे, ओके तो उसके बाद जो है डायनो फ्लाइजेट्स थे, डायएटम्स थे, यूलिनाइड्स थे, ओके तो ये स्लाइम मोल्ड्स थे, ये सारे आपने जो है फिर ओबीलैंड में जो है किंगडम प्रोटिस्टा में इनको अरेंज कर दिया। और इसके बाद एक और सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दैट सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड, ओके एंड दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने डिस्कवर किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डिस्कवरर कौन थे? तो ये थे आपके आर एच व्हिटेकर, और डेट भी मेंशन करेंगे, तो ये 1969 में जो है इसने इस क्लासिफिकेशन को जो है डिस्कवर किया। और इस क्लासिफिकेशन में वो फाइव किंगडम्स कौन कौन सी थी, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वो फाइव किंगडम्स थी ऑलरेडी जो है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया आ चुका था, किंगडम एनिमेलिया भी डिस्कवर हो चुका था, किंगडम मोनेरा भी डिस्कवर हो चुका था, और किंगडम प्रोटिस्टा भी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था। अब बचता कौन था? किंगडम फंजे। तो ये जो है नई एक किंगडम क्रिएट करके, और फंजे में आपके कुछ लोअर फंजे आ जाते हैं, हायर फंजे है ना, एस्कोमाइसीट्स है, बेसिडियोमाइसीट्स है, ड्यूटेरियोमाइसीट्स है, ओमाइसीट्स है, ये सारे के सारे फंजे जो है फिर प्लेस किए एक नई किंगडम क्रिएट करके आर.एच. व्हिटेकर ने, और उस किंगडम का नाम दिया किंगडम फंजे। ओके तो किंगडम फंजे, और देखें ये आपकी फाइव किंगडम हो जाती है, और यहां से फिर एक और किंगडम आ जाती है, दैट इज सिक्स किंगडम। बट एक बायोलॉजी के वर्ड में अगर देखा जाए तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड नाउअडेज। और यहां से एक और किंगडम आ गई, दैट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसको मैंने बताया था आपको थ्री डोमेन सिस्टम। तो ये सिक्स किंगडम जो है ऑलरेडी फाइव किंगडम आ चुकी थी, बट ये जो किंगडम मोनेरा था ना, किंगडम मोनेरा, इसी को जो है थोड़ा सा फिर क्या किया, दो किंगडम में जो है डिवाइड किया, किसने? कार्ल वूज ने। ये सिक्स क्लासिफिकेशन जो है डिस्कवर किसने किया? कार्ल वूज। और कार्ल वूज जो है टैक्सोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, किंगडम प्लांटिया एज इट इज था, एनिमेलिया भी एज इट इज रहा, प्रोटिस्टा भी एज इट इज रहा, फंजे भी एज इट इज रहा, बट जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा को फर्दर जो है डिवाइड किया टू किंगडम्स में, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जो है सर्वाइव कर रहे थे, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो बिल्कुल जो है नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर रहे थे। तो जो एक्सट्रीम वाले थे वो आपके थे आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में आपके हेलोफाइल आ जाते हैं, थर्मासिटोफाइल आ जाते हैं, और हेलोफाइल में जो हाई साल्ट कंडीशन में जो है सर्वाइव करेंगे, थर्मासिटोफाइल है ना, हेलोफाइल हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करेंगे, और आपके थर्मासिटोफाइल जो है हाई टेम्परेचर और हाई एसिड में ग्रो करेंगे कंडीशन में, और फिर आपके मिथेनोजन, ठीक है, मिथेनोजन जो है वो रिमिनेंट्स जो होते हैं ना कैटल्स, उनके स्टमक में जो है जो रिमिनेशन का जो प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उनके स्टमक में जो है वो बैक्टीरिया रहता है मिथेनोजन, और वहां पे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके जो है मार्स गैस क्रिएट करता है, दैट इज द बायोगैस। ओके तो उसको यूज भी किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो किंगडम मोनेरा को फर्दर जो है डिवाइड किया किंगडम आर्की बैक्टीरिया में, और दूसरा था एक ग्रुप जिसको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। ओके यू बैक्टीरिया। ओके तो ये फर्दर आगे कितनी हो जाती है, किंगडम प्लांटिया एक, ठीक है, एनिमल एनिमेलिया टू, मोनेरा के आगे दो हो गए, फोर फाइव एंड सिक्स, इसको हमने कहा सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसको थ्री डोमेन भी कहा जाता है। इसको थ्री डोमेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक डोमेन सिस्टम भी दिया, और डोमेन जो है वो किंगडम के बाद की कैटेगरी है, और इसको जो है हम डोमेन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यूकेरिया है ना, एक तो आर्की बैक्टीरिया ऑलरेडी था, आर्किया और यू बैक्टीरिया और जो थर्ड यहां से डोमेन है डिस्कवर की कार्ल वूज ने, वो डोमेन था यहां से यूकेरिया। तो आर्किया में सारे आर्की बैक्टीरिया जो है प्लेस किए, यू बैक्टीरिया में सारे यू बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, और बाकी आपके हेटरोट्रॉपिक, उसमें सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सारे यहाँ पे प्लेस किए, और फिर बाकी रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, चाहे वो आपने प्लांटिया से बिलोंग करते थे, एनिमेलिया से बिलोंग करते थे, वो प्रोटिस्ट से बिलोंग करते थे, या फंजे से बिलोंग करते थे, उन सबको रख के एक और डोमेन में, दैट इज कॉल्ड यूकेरिया, क्योंकि यूकेरिया मीन्स
इनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस भी था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी और साथ में सेलुलर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थे। इसने जो है आर्गी बैक्टीरिया को रखा आर्किया में, आर्किया डोमेन में, और यू बैक्टीरिया के जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे के सारे यू बैक्टीरिया में जो है प्लेस कर दिए, और फिर रेस्ट ऑफ ऑर्गन जितने भी थे उनको रख दिया यू कैरियर में। ये था आपका थ्री डोमेन सिस्टम। तो ये यहाँ पे जो है फिनिश हो जाता है, बाकी जितना भी है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट द बायरोन क्लासिफिकेशन। सो एनफ फॉर टुडे, ओके, नेक्स्ट क्लास टुमारो। स्टे हेल्दी, बाय।